नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं वकालत 24। सवाल ये कि क्या किसान आंदोलन खत्म हो गया है? प्रभाकर जी, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर आकर रुका हुआ है। अब इसके बाद कुछ भी हो सकता है। खत्म अगर मैं कहूंगा तो थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, लेकिन किसान आंदोलन ऐसे मोड़ पर है कि सबके मन में सवाल है कि आगे क्या होगा। हम ये सवाल कर क्यों रहे हैं? उसकी वजह खत्म हो रहा है या फिर हो गया है या होने वाला है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भूमिका कैसे बनी? क्योंकि अभी तक तो ये था कि दिल्ली कूच करने को किसान तैयार थे, बॉर्डर्स पर बैरिकेटिंग लगा दी गई थी, कीले ठोक दी गई थी, दीवारें खड़ी कर दी गई थी, गड्ढे खोद दिए गए थे। अचानक क्या हुआ? 21 तारीख को एक घटना घटी खनौरी बॉर्डर पर, पुलिस और किसानों में झड़प हुई, एक किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। और आज जाकर किसानों की तरफ से और शुभकरण के परिवार की तरफ से मांग की गई थी कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए। FIR दर्ज पुलिस ने नहीं किया। और अब जाकर कल शाम को पुलिस ने इस मामले में, पंजाब पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज किया है। और कल ही ये कॉल होना था, आज ये कॉल होना था कि आगे की रणनीति क्या होगी। दिल्ली जाना है, इसलिए कि पहले से उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ था कि दिल्ली जाने का जो ज्यादा था फिलहाल के लिए टाल दिया था कि कुछ बातचीत होगी कुछ ऐसा, इसलिए कि जब घटना घटी थी, हिंसा हुई थी, 21 तारीख की घटना जब घटी थी, उसके बाद से सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन तब से कोई बातचीत हुई नहीं थी। अब उस बीच में घटना जो घट गई कि शुभकरण की मौत हो गई, और शुभकरण की मौत हो गई उसके बाद उसके परिजनों और किसानों का की मांग थी कि इस मामले में FIR दर्ज किया जाए। FIR दर्ज नहीं हुई, और अब जाकर FIR कल शाम को दर्ज हुई है और आज शुभकरण का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है, या कहा जा सकता है, या अनुमान लगाया जा सकता है कि शुभकरण के अंतिम संस्कार के बाद, हालांकि इसमें पोस्टमार्टम भी हुआ है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखने के बाद भी चीजें कुछ साफ होंगी, अब बात समझ में आएगी कि किसान नेता इस मामले में कॉल क्या ले रहे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि कॉल क्या हो सकता है। लेकिन मांग तो MSP को लेकर थी, मांग तो तमाम और भी थी, दर्जनों मांग किसानों की तरफ से रखी गई थी। ये डाइवर्ट होके कि एक शख्स की मौत हुई है, एक युवक की मौत हुई है, उस पर FIR दर्ज किया जाए, और क्या आंदोलन इसलिए था? बिल्कुल नहीं था। मांगे तो कुछ और थी और वो मांगे अभी तक मानी नहीं गई है। सरकार की तरफ से बातचीत का क्या रुख अपनाया गया है और क्या रुख आगे रहने वाला है? कोई भी आंदोलन होता है और उस आंदोलन के दौरान जब इस तरह की कोई चीज होती है तो थोड़ा सा मामला डेविएट हो जाता है, भटक जाता है। उस समय भी आपने देखा कि लखीमपुर खीरी कांड हो गया, और उस समय भी न्याय की मांग होने लगी, उस समय भी दोषियों को सजा दिलाने की मांग होने लगी थी, और टेनी के खिलाफ और टेनी के बेटे के खिलाफ, और एक अलग सा उसी तरह का पड़ाव ये भी इस आंदोलन का है। लेकिन MSP की मांग के साथ जो आए थे किसान, तीन दौर की चार दौर की बातचीत हुई चंडीगढ़ में, और उस बीच में हिंसा हो गई, और उसके बाद से सरकार ने कहा तो कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल प्रपोजल नहीं गया है। किसान संगठन इंतजार कर रहे हैं कि उधर से बुलावा आए, मेरी बातचीत हुई है, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से वो इंतजार कर रहे हैं कि वो उधर से आए। सरकार एकदम मौन हो गई है। अब मौन हो गई है, क्यों मौन हो गई है, इस मौन के पीछे की जो कहानियां हैं, जो सिम्टम्स बता रहे हैं, सिम्टम्स बता रहे हैं कि सरकार अब आश्वस्त हो गई है कि किसान जहां बैठे हैं उससे आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसा क्यों? उदाहरण बता रहा हूं उसकी वजह कैसे, कि आप देखोगे कि दिल्ली की सीमा पर जहां पर वो चाहे सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर जो पाबंदियां थी, जो सख्तियां थी और जो रास्ते ब्लॉक किए गए थे उसमें ढील दे दी गई है। मतलब ये कि पुलिस ये मान के बैठ गई है, सरकार ये मान के बैठ गई है कि किसान यहां तक तो नहीं आ सकते। किसान जहां बैठे हैं वहां के बैरिकेड्स बहुत स्ट्रांग है, करौली बॉर्डर हो या चाहे संभव बॉर्डर हो, तो वो 7 लेयर या 9 लेयर जो भी, इतना भारी भरकम वहां पर बैरिकेड्स और ब्लॉकेट्स हैं कि वहां पुलिस, वो किसान नहीं आ सकते। तो अब किसानों को अपनी रणनीति बदलनी है, बदलनी पड़ेगी, ऐसा मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है। आज कल में कॉल आएगा, तैयार करेंगे, और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि चूंकि वो दिल्ली आ नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, रास्ता जितना ब्लॉक करना था उन्होंने कर दिया। अब हो सकता है, इस बात की आशंका है कि वो रेल रोको जैसा कुछ कर सकते हैं, और उसकी वजह भी है, अगर मैं ये बात कर रहा हूं उसकी वजह है कि इस मामले में, इस आंदोलन में जो अगुवाई करने वाले जो प्रमुख किसान संगठन है उसमें
ये जो श्रवण सिंह पंडेर का जो गुट है वो रेल रोको का मास्टर है, मतलब जब भी आंदोलन होता है तो रेल पटरी रेल रोकना वो उन्होंने ये करना उनको आता है, इसलिए कि पिछला किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय उन्होंने रेल रोकने का जो शुरुआत करी थी उन्होंने करी थी। तो हो सकता है कि इस तरह का वो फैसला ले। एक बात और कि इस बीच में बातें साफ हो गई हैं कि पहले ऐसा लग रहा था कि बाकी किसान संगठन इसमें आकर के मिलेंगे और वो लोग इसको समर्थन देंगे, नैतिक समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन इनके बीच का गतिरोध, इनके बीच का विरोधाभास विरोध इतना प्रकट रूप से सामने आ गया है कि फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि बाहर के किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा जिसको ये लोग छोड़कर आए थे कि वो संगठन जैसे हरियाणा में चौधरी का ग्रुप हो गया, चाहे पंजाब के बड़े संगठन हो, चाहे वो राजीवाल का ग्रुप हो, चाहे उग्रहा का ग्रुप हो, चाहे पश्चिमी यूपी यूपी का जो राकेश टिकैत वाला भारतीय किसान यूनियन हो, तो ये लोग फिलहाल उसमें शामिल नहीं होने जा रहे। किसान एकजुट है नहीं, ये गुट ने मांग रखी और उसके लिए वो सड़क पर उतर आए, बाकी लोग साथ नहीं आ रहे। तो सरकार क्या इस चीज से आश्वस्त है कि ये पहले जब एकजुट है ही नहीं, हो भले ना दिख भी तो नहीं रहे, तो फिर सरकार पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, खास असर पड़ेगा लगता नहीं है। और वैसे ही सरकार ने इसे पंजाब का आंदोलन, वहां के किसानों का आंदोलन करार दिया है कि और पूरे देश में किसी को दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं पर है, और कह रहे हैं कृषि तो राज्य का विषय होती है, जाइए आम आदमी पार्टी से वहां सरकार है उनकी, जाइए उनसे सवाल करिए जाकर। और मान साहब से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं जाएंगे किसान, तो कहाँ जाएंगे, क्या पाकिस्तान जाएंगे क्या? तो अब ये डिरेल होने वाली बातें हैं। अब एक और इसमें एक दिक्कत क्या है, ये जो किसान संगठनों के बीच जो डिफरेंसेज आए उसकी एक वजह और भी उसकी समझ लीजिए कि जो बड़े बाकी संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा जो इसमें शामिल नहीं है, उनका कहना है कि ये जो सही जिस समय ये हुआ था ये सही समय कॉल नहीं लिया गया था, ये एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि आज मार्च 1, अगले एक हफ्ते दो हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और उसके बाद से किसान संगठनों या सरकारों में कोई बातचीत नहीं हो पाएगी तब तक जब तक नई सरकार बन नहीं जाती। तो दो हफ्ते ही हैं अभी, तो इस दो हफ्ते में ही जो कुछ होना है वो होना है। हालांकि इस बीच में जो पीछे सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया हुआ था कि गेहूं और चावल के अलावा कुछ और जो दलहन और तिलहन उपजाने के लिए सरकार ये कह रही थी कि आप लोग ये उपजाइए और हम उसको खरीदने के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे 5 साल के लिए, तो सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव गया था, वो प्रस्ताव उन लोगों ने नकार दिया था। तो अब देखना यह है कि सरकार ये अब बहुत क्या होगा इस बीच में, जो अब नया कॉल आएगा नई रणनीति के मुताबिक ये कोई घोषणा करें, कोई ऐलान करें कि अगली रणनीति की क्या होने वाली है, और उस रणनीति और उस ऐलान की तीव्रता को देखते हुए सरकार हो सकता है कि नए सिरे से इनके पास कोई बातचीत करने होता भेजे, नया प्रस्ताव लेकर भेजे। लेकिन यह सब ये भविष्य के गर्त में है। अभी तो किसान आज शुभकरण के अंतिम संस्कार में गए हैं, वो गमगीन होंगे, निकलेंगे, रणनीति बनाएंगे, आज शायद इसमें नहीं हो पाएगा। और खास बात एक और, 21 तारीख की घटना है, 21 तारीख को शुभकरण की मौत हुई थी, आज 1 तारीख है, 10 दिन उसकी डेड बॉडी वहां पर रखी गई थी, और 10 दिन में कहते हैं पंजाबी में चौथे या पांचवें दिन वो हो जाता है, उनकी मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति का ऐसा करके 10 दिन से डेड बॉडी रखी गई थी। तो एक गतिरोध था जो अच्छा है वो टल गया है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध अभी जस का तस बना हुआ है। आंदोलन बीच में थोड़ा सा स्लो हो गया था और अब किधर जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि इस बार दिल्ली दूर पहले भी लग रही थी, आज भी दिल्ली दूर है। किसान दिल्ली नहीं आ पाएंगे, दिल्ली के नेताओं को और किसान संगठनों को, दिल्ली को किसानों के पास जाना होगा और किसान नेताओं को अपने अहम से नीचे उतरकर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुई राजनीतिक बात, सामाजिक बात। इसका एक और पक्ष अगर कानूनी पक्ष देखें तो वो क्या कहता है, क्योंकि वकालत 24 पर हम कानून का जिक्र जरूर करते हैं। अगर जो मांग किसान कर रहे हैं वो कितनी सही है कितनी नहीं सही है इसको लेकर अलग डिबेट है, लेकिन जो मांग कर रहे हैं सरकार के लिए मानना कितना मुश्किल काम है, कानूनी तौर पर उसे अमली जमा पहनाना कितना मुश्किल है, क्योंकि सरकारें बदली हैं लेकिन ये जो मांग है ये अभी भी बरकरार है। गारंटी कानून, हाँ, MSP को लेकर जो गारंटी चाहिए किसानों को, और ये एक इमोशनल मुद्दा भी हो जाता है जब किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि हमने एक शो किया उसमें बताया कि कितने हजारों किसान ने एक साल में आत्महत्या के लिए, NCRP के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं, बावजूद इसके अगर चीजें नहीं हो रही तो कितना मुश्किल सरकार के लिए इन मांगों को मानना है कि नहीं मानी जा रही।
देखो मैं तो इतना जानता हूं कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार के पास संसाधन है, सरकार की प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि सरकार जिस चीज को प्राथमिकता पर ले ले वैसे। तो जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त का खाना खिला सकती है उस देश में सरकार कुछ भी कर सकती है। ये बात और है कि अब तक सरकारों को व्यावहारिक तौर पर ये दिक्कतें होती रही। एमएस स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिश थी उसमें था C2+50% MSP तय करने का जो था, वो यूपीए सरकार ने भी तब नहीं मानने से इनकार कर दिया था, एनडीए सरकार भी आई उसके बाद उसने मानने से इनकार कर दिया था। अब हालांकि कांग्रेस अब ये कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो ऐसा करेंगे, तो दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज समझ में आ रही है वो ये कि दिक्कत तब होगी जब जो मांग हो रही है कि एमएसपी गारंटी कानून दे दीजिए, इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून के साथ बाध्यता हो जाएगी सरकार की कि जो एमएसपी जो तय होगी वो उसके बाद सरकार को उस पर खरीदना पड़ेगा। ये बताने और डिस्प्ले करने लोगों में ये बात बैठाने की कोशिश हो रही है। मेरी जो समझ है कि कानून होने का मतलब ही नहीं कि सरकार खरीदने के लिए बाध्य हो जाएगी। मसलन शादी की उम्र अगर आपकी तय है, लड़का लड़की की शादी, लड़के की शादी की उम्र तय है 21 साल, अदरवाइज बाल विवाह में आपको सजा हो सकती है, परिवार को सजा हो सकती है। इसमें कहीं ये छिपा हुआ नहीं है कि 21 साल में हो गए हमारी शादी नहीं हुई तो फिर सरकार से हम दावा करेंगे कि मेरी शादी कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एमएसपी गारंटी कानून मैं समझता हूं कि इसी तरह का है कि एक ऐसे कानून की मांग हो रही है कि जब एमएसपी तय हो जाए उससे कम खरीद फरोख्त नहीं हो और उसे फिर पीनल प्रोविजन बना दिया जाए। नहीं तो अभी भी 5-6% थी तो नहीं, अभी थोड़ा आंकड़ा बढ़ गया, पहले 6% था सांता कमीशन की रिपोर्ट में, अब थोड़ा सा बढ़ गया, 6% थोड़ा अधिक हो गया, 8%। चलिए 6 से 8 हो गया, चलिए 8 मान लेते हैं, 8% ही खरीद करती है एमएसपी पे गवर्नमेंट, वो 8% करती रहेगी। जो किसान बाहर बेच रहे हैं, दूसरों को बेच रहे हैं और वहां जो उनके साथ ठगी हो रही है, सवाल तो इसी का है। गवर्नमेंट जब 3 कानून लेकर आई उसमें कहा गया कि हम आपके लिए बाजार खुला कर रहे हैं, आप जाइए कहीं पर भी बेचिए और आपको रेट मिलेगा, ठीक है वो कानून ठीक है आपने बनाया, लेकिन आप एमएसपी की गारंटी दे देते तो कितना अच्छा रहता कि आप जितना खरीदे उतना खरीदे, बाकी लोग जो खरीदे वो भी उसी रेट पर खरीदते, क्यों किसानों का शोषण होता, सवाल तो इसी चीज को लेकर है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा इसी बात को समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि पंजाब हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान ही क्यों इस तरह का आंदोलन करते हैं बाकी देश में, बाकी देश में तो हालत ये है कि एमएसपी पर यहाँ पर सरकार एक व्यवस्था बनी हुई है, सरकारें खरीदती हैं, देश के बाकी हिस्सों में लोगों को पता ही नहीं होता है कि एमएसपी भी कुछ है। ये भी एक रिपोर्ट है कि देश की बहुसंख्यक किसान आबादी को ये पता ही नहीं कि एमएसपी टाइप की कोई व्यवस्था भी है और कोई वो बनिया तय करता है, जिसे खरीदना होता है वो तय करता है कि 2200 रुपया अगर कहीं एमएसपी तय है तो पता चला कि वो 1600 में खरीदता है, और जो किसान है छोटे किसान सीमांत किसान, देश में बड़ी आबादी 80% से ज्यादा की आबादी है वो सीमांत किसानों की है, जो 2 एकड़ से नीचे की जमीन तकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी सुविधा अपनी जरूरत के हिसाब से बेचते हैं, बनिया को बुलाते हैं खरीद करने वाले को जो अनाज खरीदता है, और वो अपनी सुविधा के हिसाब से जरूरत के हिसाब से वो दाम तय करता है, आपको देना है तो दीजिए खरीदना, तो जो किसान को जरूरत है दवा के या इलाज के लिए जरूरत है वो तो जितना दाम मिलेगा उस पर बेचेगा। तो इसीलिए एमएसपी कानून की जरूरत है, गारंटी कानून की जरूरत है, ताकि देश में कहीं भी एक न्यूनतम तय दाम से उस फसल के लिए कम पर कोई खरीद बिक्री नहीं हो। इससे क्या होगा कि जो किसानों का शोषण होता है बनियों के हाथ में, छोटे छोटे व्यापारियों के हाथ से, वो शोषण से बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है मुझे लगता है, और इसी के लिए बाकी देश की अर्थव्यवस्था से मेरा कोई मतलब नहीं, उस पर बात ही मैं नहीं करूंगा, ये गारंटी कानून की जरूरत है देश के छोटे किसानों को शोषण से बचाने के लिए, बड़ों के पास बहुत उपाय है। ये तर्क दिया जाता है कि आप बताइए कॉर्पोरेट का 10 लाख करोड़ रुपए अगर आप माफ कर सकते हैं, उसे बट्टे खाते में डाल सकते हैं कि आप चलिए राइट ऑफ कर दिया, आपने नया शब्द गढ़ा गया राइट ऑफ करना, उसको डाल सकते हैं, तो किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे सकते। देखिए मांग तो जायज है, लेकिन वही है कि किसान एकजुट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, क्या मामला डिरेल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, अभी के बाद में करता हूँ, किसान आंदोलन जहाँ खत्म हुआ था, जिन मांगों के साथ खत्म हुआ था, उसी वही उन्हीं मांगों के साथ नया आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन विडंबना देखिए कि आंदोलन तो खड़ा हुआ दूसरा, लेकिन उसमें मैक्सिमम किसान संगठन नहीं शामिल है। तो मुझे कई बार लगता है कि किसान संगठनों के जो नेता हैं, किसान संगठनों का नेता, उनके लिए एमएसपी से कहीं ज्यादा उनका ईगो अहम जो है ना वो बड़ा हो गया है, इसलिए वो एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। उनको पता, अच्छा सरकार को पता है कि जब तक इनमें फूट रहेगी, जब तक ये साथ नहीं बैठेंगे, तब तक सरकार के लिए तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस मसले पर किसान संगठनों को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, जब तक वो साथ नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी, और जब तक बात नहीं बनेगी तब तक, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं हर साल, इसकी रिपोर्ट भी है और ये हकीकत है। अब क्यों कर लेते हैं
और जो मांगे की जा रही है वो कितनी जायज है, सरकार को विचार करना है, किसान संगठनों को विचार करना है, लेकिन फिलहाल के लिए कृषि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वो थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के बाद एक बार फिर नए जोर से किसान, क्योंकि ये जो हुआ है, ये जो घटना हुई है वो अपने आप में दुखद है। अब देखिए आगे क्या होता है, कानूनी पहलू आपको बताते रहेंगे। कैसा लगा शो बताइए हमें कमेंट करके, बहुत बहुत शुक्रिया।